आज हम लोग जो है ये इको 250 बिल्डिंग मशीन जो है रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डीसी चेक करेंगे, कैबिनेट ओपन कर दिए हैं और डीसी सीरीज बल्ब पे चेक कर रहे हैं, ये यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये तुरंत सीरीज बल्ब शॉर्ट बता रहा है, यानी ये बिल्डिंग मशीन शॉर्ट बता रहा है, सीरीज बल्ब तुरंत जो है जलने लगता है, ये फुल ग्लो हो रहा है, जल रहा है फुल। और यहाँ पे कोई भी जो है डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, ना कोई LED इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे सर्किट पे जो है यहाँ पे चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम का है, जो इस तरह से जो इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कैपेसिटर देख लेंगे एक बार, वैसे ही चार्ज नहीं हुआ होगा इसलिए कि शॉर्ट बता रहा है। तो या तो इसमें ब्रिज दिक्कत होता है, या डाइबोर्ड दिक्कत होता है आउटपुट, या IGBT में प्रॉब्लम होता है, या कैपेसिटर में, तब इस तरह से ये बल्ब जो है ग्लो करता है। और फिलहाल इसे डिस्चार्ज कर लिए हैं। तो अब मल्टीमीटर को जो है यहाँ पे डाइबोर्ड रेंज पे कर लेंगे, ये डाइबोर्ड रेंज पे कर दिए हैं। और अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सबसे पहले इसमें ब्रिज डाइबोर्ड देखेंगे, तो ब्रिज डाइबोर्ड इसमें ये लगा हुआ है, ये 3050 जो खड़े मॉडल में आता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे। और सबसे पहले चेक करेंगे ब्रिज डाइबोर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है, ये पहले चौथे लेग पे। तो और यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, ये जो इसी सप्लाई जाता है जहाँ पे, ये यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बताता। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग बताता तो हो सकता है कि ब्रिज ख़राब हो, लेकिन पहले चौथे पे बता रहा है, तो यानी ब्रिज में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग बताने का मतलब या तो कैपेसिटर हो सकता है, या IGBT हो सकता है। तो कैपेसिटर भी चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रहा है, और इसमें चार कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसमें जो है यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ है कहीं पे, ये फ्रेश दिख रहा है। और इसमें पावर सप्लाई वही LN के जो है 626 वाली IC, और इसका इसमें ट्रांसफार्मर है 98-21-22-13। ये तो ब्रिज चेक कर लिए हैं, और कैपेसिटर शॉर्टिंग यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका IGBT भी चेक कर लेंगे एक बार। अगर IGBT सही होगा तो कैपेसिटर या डायोड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें एक दो दो IGBT लगा हुआ है, और दो डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे काला वाला प्रॉब जो है बीच में इसके रखेंगे, और यहाँ पे शॉर्टिंग, इधर भी शॉर्टिंग, यानी इधर भी शॉर्टिंग बता रहा है, और पहले तीसरे पे इधर भी शॉर्टिंग बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है यहाँ पे। तो इसे शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, यानी IGBT में ही दिक्कत है। तो सबसे पहले IGBT निकाल ले रहे हैं, IGBT निकालने के बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सर्किट ही बाहर कर ले रहे हैं पहले, इसलिए तभी प्रॉपर चेक हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है स्क्रू वगैरह, जो यहाँ पे इसको सर्किट निकालने के बाद देखेंगे कंफर्म जो है, इसलिए कि IGBT और डायोड और कैपेसिटर तीनों पे ही जो है शॉर्टिंग आ रहा है, तो IGBT पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो और डाइबोर्ड जो इसका आउटपुट डाइबोर्ड देख लेंगे, आउटपुट डाइबोर्ड भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे दो लगा हुआ है, तो ये इसमें शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, ये 322 ये, और दूसरा वाला इसमें भी 322, यानी इसका डाइबोर्ड आउटपुट जो है सही है। अब कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर जो इधर लगा हुआ है, AC सप्लाई जिसे आता है फिल्टर के लिए, जो है DC होके कैपेसिटर पर जाता है, उसके बाद में IGBT, तो ये पहले IGBT भी निकाल लेंगे, इसलिए कि IGBT जब शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पे शॉर्टिंग आएगा। और जैसे ब्रिज खराब होता तो उसके बीच में भी कोई शॉर्ट बताता इसमें ब्रिज वाला,
तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं, पहले तीसरे पे आ रहा है, तो कैपेसिटर या आईजीबीटी इसमें हो सकती है। तो आईजीबीटी निकाल लेंगे, कन्फर्म हो जाएगा कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। तो सर्किट ये बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर जो है तो ये सर्किट बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ का पेच नहीं खुल रहा था, तो इसलिए यहाँ से जो है पत्ती इसका ये यहाँ से खोल लिए हैं। ये टूट ज़्यादा दिक्कत होगा, तो यहाँ पे जो है आईजीबीटी इसको निकाल लेंगे यहाँ से। टेपर टाइट है और यहाँ पे जो है इधर से भी पेच खोल लेंगे इसका क्लेम जो है। ये लग रहा है कि रिपेयरिंग हुआ है, यहाँ पे इसमें लगा है 40T65 ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो है SL 40N60 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये जो है 60T65 AS जो है इसने लगाया है, और इधर वाले पे जो है ये 40N60 ये इसमें लगा हुआ है। अब एक 40N60 है, एक 60T65 है, और यहाँ इसमें जो है लिखा भी है 40N60, तो 40N60 या 40N65 लगाना चाहिए, तो 40T60 लगा दिया है जो भी लगाया है, तो इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाया। ये रिपेयरिंग किया है किसी ने, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि एक सीरीज का लगाइए जो भी है, इधर उधर करते हैं इसलिए सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है कोई भी हो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये जैसे लिखा हुआ तो समझ गए, लेकिन अगर नहीं लिखा हो तो कैसे समझ पाएंगे। ध्यान से काम करना है। उसके बाद में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह रहता है, शॉर्ट की डाइबोर्ड वगैरह है, यहाँ पे जो है SS16 या SS14 रहता है, उसको भी देखना है कैसे क्या है। तो यहाँ पे जो है ये हीट सिंक जो है इधर से निकालेंगे, और उसके बाद में इधर का जो है दोनों पेच इधर से भी खोल लूँगा। ये लग रहा है इसी वजह से जो है ये यहाँ पे दिख भी रहा है, ये किसी ने रिपेयर इसे किया है। यहाँ ये ब्रिज भी सोल्डिंग है, यहाँ पे आईजीबीटी भी सोल्डिंग है, और ड्राइवर भी यहाँ पे सोल्डिंग है, ये दिख रहा है, ये रिपेयरिंग किया गया है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। और जो लाए हैं वो खुद मिस्त्री हैं, तो हो सकता है कि वही किए हों। जब लगाएं उसके बाद में फिर वो गया, जब नुकसान हो गया तो वो शायद लेके आए हैं इसीलिए। तो यहाँ पे इसका पेस निकाल दो, और ये हीटसिंग ये वाला निकाल देंगे। तो ये जो है ड्राइवर है इसका, और ये हीटसिंग भी यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि जब तक टॉपनी जो है दिखेगा वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस और तो नहीं डैमेज हुआ है। हमारे पास आया तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे इसमें, ताकि इसमें दोबारा कोई फॉल्ट ना हो, दिक्कत ना हो, तभी सक्सेस हो पाएगा। तो इसका आईजीबीटी निकाल लेते हैं, पहले हीटसिंक खोल दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो डायोड है और रेजिस्टेंस है उसको चेक करेंगे।
यहाँ पे जो है इसे जो सोल्डिंग बोर्ड से साफ कर लेंगे। तो ये साफ़ हो गया यहाँ पे, और ये आईजीबीटी चेक करेंगे यहाँ पे, तो इसे डाइवोर्ट रेंज पे कर लेंगे। काला वाला बीच में रखेंगे प्रॉब, और ये तीसरे नंबर पे, ये 00 शो कर रहा है। तो ये इधर से 00 शो कर रहा है, और इधर से भी ये शॉर्ट है, और ये भी शॉर्ट है, और इधर इधर भी कर रहे हैं तब भी ये भी शॉर्ट है, ये भी दोनों तरफ से शॉर्ट है, वहाँ पे 00 आता है, ये भी दोनों तरफ से शॉर्ट, यानी आईजीबीटी ही शॉर्ट बता रहा है फिलहाल। इसे जो है अब इधर से यहाँ पे ये साफ़ कर दिए, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे चेक करेंगे ये ब्रिज डाइपोर्ड पे पहले, और तो यहाँ पे ये वैल्यू शो करने लगा, ये 408 के आसपास बता रहा है, और कैपेसिटर पे भी ये, तो यहाँ पर भी जो है रेंज शॉर्टिंग हट गया। और आईजीबीटी पे यहाँ पे जब चेक करते हैं तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्टिंग हट गया यहाँ पर भी। तो अब जहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है और ये जो डाइवोर्ट लगा हुआ है इसे चेक करेंगे, इसलिए डाइवोर्ट ख़राब था, तो अगर ये प्रॉब्लम रहेगा वो आईजीबीटी लगा देंगे तो उड़ जाएगा। और लगाने से पहले यहाँ पे एक बार ड्राइव भी चेक करेंगे कि ड्राइव प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पावर सप्लाई स्विच हो रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये, तो इसे रजिस्टर मोड पे रजिस्टर पे कर लिए हैं ऑटो। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये इधर एक है 20 ओम्स का, और एक है 5.1 ओम्स का, दो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ इसमें, तो ये 4.7 के आसपास बता रहा है, तो ये सही है। और दूसरा ये 19-20 लगभग सही है भी, और इधर इस साइड का तो इस साइड का कोई रेंज नहीं बता रहा है, इधर का भी 5.1 और 20 ओम्स, 5.1 ओम्स और 20 ओम्स का लगा, यानी 5.1 ओम्स और 20 ओम्स, तो दो इधर, तो इधर का इधर वाला जो है बता रहा है 20 ओम्स यानी 20 ओम्स के आसपास इधर शो कर रहा है, ये 20 ओम्स 20 ओम्स पूरा शो कर रहा है यहाँ पे, और ये 5.1 का है 5.1 ओम्स, तो ये भी बता रहा है, तो ये दोनों ये सही है, लेकिन इधर वाला जो है ये इस चैनल का नहीं बता रहा है। तो अगर यहाँ पे फिर मास्क फिर लगाएंगे आईजीबीटी लगाएंगे यहाँ पे आईजीबीटी लगाएं तो फिर उड़ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे जो है एक बार ये भी चक्कर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे इसे पावर सप्लाई जो है ऑन करके, तो अब जो है यहाँ पे पावर सप्लाई जो है एक बार ऑन करके देख लेंगे, ये पावर सप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 24 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यहाँ पे जो है आईजीबीटी पर वोल्टेज जो है
चेक करते हैं जो एलईडी बल्ब से, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर से चाहे इधर से, इधर से ही रख ले रहे हैं, उसके बाद में उधर से भी, इधर से जो है प्रिंट जो है प्रॉपर है। तो ये जो है सीरीज से ही यहाँ पे सीरीज ये तो ऑन हो गया, और 24 वोल्ट से यहाँ पे इसे डीसी रेंज पे कर लेंगे। तो कैपेसिटर पे चेक करेंगे पहले, यहाँ पे 350-300 वोल्ट के आसपास बनेगा, तो ये 345 के आसपास बन रहा है। और जो मैं ज़्यादातर चेक करता हूँ, बताता भी रहता हूँ, ये इंडिकेटर बल्ब से बाइक का, इससे भी चेक करेंगे। और यहाँ पे इस मीटर से, हर मीटर में नहीं बता पाता है, तो ये इससे यहाँ पे ड्राइव पल्स चेक करेंगे, ये डीसी 24 वोल्ट भी चेक कर लेंगे यहाँ पे, ये 26 वोल्ट यानी 24 वोल्ट ये आ रहा है 24 वोल्ट वाले सप्लाई पे, जहाँ फेन लगता है ये इस कनेक्टर पे, तो ये ओके है। उसके बाद में अब यहाँ पे चेक करेंगे इसके आईजीबीटी वाले उस सेक्शन पे, यहाँ पे तो ये डीसी पे जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं तो कुछ नहीं बता रहा है, ना इधर से ना इधर से। अब इस मीटर को एसी रेंज पे करते हैं और 20 वोल्ट पे सेट कर दिए हैं, हर मीटर नहीं बता पा रहा है यहाँ का जो है जो ड्राइव पल्स रहता है। अब इसे लगा रहे हैं तो ये इस तरफ का कोई भी वोल्ट नहीं सो कर रहा है यहाँ पे, और दूसरे तरफ का जिस तरफ का रेजिस्टेंस सही है यहाँ पे, तो ये 12-13 के आसपास यहाँ पे सो कर रहा है ये, और इधर से भी लगा रहे हैं तब भी 12-13 के आसपास बता रहा है, और उधर इधर दूसरे वाले आईजीबीटी साइड पे ये इधर यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है। और एलईडी ये जो है बाइक का 12 वोल्ट वाला है इंडिकेटर बल्ब है ये, तो इससे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगा रहे हैं, पहले तीसरे पे लगाना है नहीं तो उड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये कोई इंडिकेटर ये बल्ब नहीं शो कर रहा है, और इधर लगा रहे हैं जो पहले तीसरे पे यहाँ पे, तो ये आईजीबीटी साइड इधर जो है ऑन हो रहा है, यानी उधर ड्राइव भी नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर से चेक करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है लोड पड़ने पे अगर उसमें ब्लिंकिंग कर रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पे डाइबोर्ड है और रेजिस्टेंस है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये फिलहाल प्रॉपर चल रहा है, लोड ले रहा है, ब्लिंक यानी स्लो फास्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो इधर का भी रेजिस्टेंस चेंज कर देते और उधर का तो ख़राब ही है ये। ये अगर ये स्लो फास्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस में दिक्कत है, यानी इससे रेजिस्टेंस हीट हो जाता है, काला हो जाता है, लेकिन बताता है, लेकिन लोड डालने पे वो जो है इस तरह से प्रॉब्लम करने लगता है कि लोड प्रॉपर नहीं दे पाता है, उसे चेंज कर देते हैं, लेकिन फ़िलहाल सही बता रहा है, बल्ब जो है डाउन नहीं हो रहा है। तो इधर का जो है अब इसे पावर सप्लाई से जो है यहाँ से हटा देंगे, और इसे यहाँ पे कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये बल्ब जो है भी ये डिस्चार्ज हो गया। अब इस पर काम कर सकते हैं सर्किट पे, तो इधर का ड्राइव ओके है, इधर का ड्राइव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले चेक करेंगे जो खराब है इसे चेंज कर देंगे, और यहाँ पे जो एक डाइबोर्ड लगा रहता है शॉर्ट की, तो डाइबोर्ड रेंज पे करके और डाइबोर्ड भी चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए जो है ये वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए कि रेजिस्टेंस की जो है पार्लर में लगा हुआ है,
तो डाई बोर्ड पे जो है रजिस्ट्रेशन मोड पे करके हम चेक कर रहे हैं, वैसे ही अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे उधर से 24 शो किया है, इस वाले में जो है ये रजिस्ट्रेशन निकालने के बाद जो है कंफर्म ये कर लेंगे कि हो सकता है कि ये डायोड भी शॉर्ट हो। पहले रजिस्ट्रेशन ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ का रजिस्ट्रेशन ओपन करके जो है वैल्यू चेक करेंगे पहले डायोड का। इधर लगा है 20 ओम्स का और उधर लगा है 5.1 ओम्स का, तो दोनों ओपन कर लिए हैं। उस साइड में जो है 5.1 और इधर 20 ओम्स, और इसे डायोड अरेंज पे करके जो है यहाँ पे चेक करेंगे डायोड शॉर्ट की, तो ये डायोड भी ख़राब है, डायोड भी निकालेंगे और इसे भी लगाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन जो है ये डायोड भी ओपन कर ले रहे हैं। एक ही लगाएं बेहतर रहेगा, इसलिए कहीं इधर उधर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा, तो एक ही लगाना बेहतर रहता है। अगर जानकारी है तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है अगर तो एक ही ही लगाएं, दिक्कत नहीं रहेगा। तो इधर का ओपन करके इधर लगा दिए हैं, अब इसे निकालने के बाद चेक कर लेंगे इधर ये, तब भी ये 0.0 बता रहा है, तो ये डायोड भी इसका ये भी लगाएंगे। ये तो यहाँ जो है इसका ये डायोड ये भी ख़राब है, तो अब दो रेजिस्टेंस और जो है एक डायोड लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें जो है निकालने के बाद भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है, ये डायोड ये, तो ये रेजिस्टेंस हो गया और रेजिस्टेंस जो है ये दो रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें जो है डायोड का जो है शॉर्ट की डायोड है, ये जनरल डायोड नहीं है, शॉर्ट की डायोड है, जो नंबर का लगा उसी नंबर का लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दो डायोड अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, SS16 या SS14, जैसे 16 है तो 14 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 16 है तो 14 भी इस्तेमाल सकते हैं, एक दूसरे पर दोनों डायोड लगाना है। लेकिन जैसे अगर उस नंबर का नहीं है, इधर 16 हो गया इधर 14 हो गया, तब भी दिक्कत रहेगा। तो अगर जैसे इधर का ख़राब है आपके पास एक ही जैसे 16 है तो 16 लगाइए, इधर भी 16 लगाइए, इधर तो इधर भी 16 लगाइए, और जैसे उधर 14 लगा हुआ है तो 16 है आपके पास तो इधर 16 नहीं, दोनों बदल दीजिए, तब दोनों तरफ का डायोड से बदलना है रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन सही है तो। और अगर वैल्यू में कुछ इधर का जैसे आप 20 है और इधर 5 है, 20 ओम्स का 5 ओम्स का, और उधर जो है 22 का या 10 का, तो ऐसा नहीं है, 2-4 ओम्स इधर उधर कर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों तरफ का आपको एक ही जैसे एक ही सीरीज पे रखना चाहिए, नहीं तो तब भी प्रॉब्लम करता रहेगा, इसलिए स्विचिंग में दिक्कत हो जाएगी, इधर का स्विचिंग कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, उधर का स्विचिंग कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर IGBT हो जाएगा। जैसे हम इधर 22 लगा दिए और इधर 20 लगा दिए,
तो एक दो ओम से दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन सेम लगाइए आप। जैसे हम इधर 20 लगा दें और इधर 30 लगा दें तब दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जैसे ही अगर 20 है या 22 है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 22 है तो 22 ही लगाना है दोनों तरफ, और 20 है तो 20 ही लगाना है दोनों तरफ। और जैसे 5 ओम्स का नहीं है, जैसे 4.7 ओम्स का है या जो है 5.1 ओम्स 1 ओम्स का है, तो ये भी दोनों बराबर ही लगाना है आपको। अगर जैसे जिस नंबर का नहीं है, इधर भी दोनों सेम लगाना है, ये बात है। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद में जो है आपको चेक करवा देंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अब तो इतना समझ ही गए होंगे कि किस तरह से करना है आगे। तो यहाँ पे जो डायोड और रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, और ये रेजिस्टेंस मोड पे करके तो यहाँ पर ये भी शो करने लगा इधर, और इधर भी शो करने लगा, जिसे इधर भी बता रहा है ये इस तरफ और इस तरफ। तो हम लोग जो है यहाँ पे दोनों तरफ का जो है रेजिस्टेंस चेंज कर दिए हैं कि ताकि कोई शक वगैरह इसमें ना रहे या कोई दिक्कत ना कर सके, तो इसीलिए दोनों तरफ का रेजिस्टेंस चेंज कर दिए हैं कि आईजीबीटी में दिक्कत ना आए, थोड़ा सा के लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे अब नया आईजीबीटी इसमें 40N60 हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे ये एक सीरीज का है, एक ही नंबर का है ये दोनों, इसलिए कि इसमें जहाँ पे जो बताया गया है ये सही है, ये किसी भी की जो प्रिंट है 40N60। और यहाँ पे दो ये जो इसमें पहले लगा था, एक 40T65 और एक 40N60 ये, तो इसलिए प्रॉब्लम भी कर गया और रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम था। हो सकता है कि आईजीबीटी उड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन गया हो, और डाइबोर्ड में भी दिक्कत था, और डाइबोर्ड पे ये निशान रहता है जैसे अदर डाइबोर्ड पे माइनस प्लस का जो पट्टी रहता है, तो इस पर भी कट रहता है। तो ये भी यहाँ पे देख के इसमें बिंदी या कट रहता है, या उस पर साफ़ करके देख लीजिए कि किस तरह से लगा हुआ है, उसी हिसाब से लगाना है, उल्टा सीधा नहीं लगाना है। जिस तरह से लगा हुआ है वहाँ पे पहले उसे पेट्रोल से या थिनर से साफ़ करके देख लीजिए, और यहाँ पे ज़्यादातर अक्सर यहाँ पे एक बिंदी डॉट रहता है, उसे देख के आप उसी हिसाब से लगाइए, नहीं उल्टा लगा देंगे तब भी आपका जो है आईजीबीटी प्रॉब्लम कर जाएगा। तो ये प्रॉपर्ली अब जो है एक बार आपको ये यहाँ पर चेक करके दिखा दे रही है दोनों तरफ की बल्ब लगा के कन्फर्म हो जाएगा, इसलिए कि ज़्यादा जो है वीडियो लंबी हो जा रही है, इसी हिसाब से जो है ये यहाँ पे लगा दी। और अब दोनों तरफ जो है इधर वाले पे नहीं आ रहा था, ये इधर वाले पे ये तो इधर आने लगा, और इधर वाले पे तो आ रहा था ठीक है, दोनों तरफ आ गया। और इससे भी चेक करके दिखा दे रहे हैं ये मल्टीमीटर से जो है, यहाँ इसे एसी रेंज पे ये 20 वोल्ट पे इसे सिलेक्ट कर दिए ये, और यहाँ पर नहीं बता रहा था ये 13 वोल्ट इधर और 13 वोल्ट इधर के करीब जो है ये दोनों तरफ आने लगा, ये दोनों तरफ से बताना चाहिए। और जैसे अगर ये अगर गलती से 20 में अगर एलईडी लगा देंगे, देखिए यहाँ पे कितना बता रहा है 166 वोल्ट, एलईडी बल्ब तुरंत उड़ जाएगा ये देखिए इधर ये 180 176 और इधर भी उतना ही ये 72 76 70 के जो है फ्लेक्सी हो रहा है, इसलिए कि सीरीज भी लगा हुआ है। और इसे निकालने के बाद जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के बाद आईजीबीटी लगाने के बाद जो है पेस्ट आईजीबीटी में लगाएंगे, यहाँ पे इसे डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, उसके बाद में कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आईजीबीटी लगाने के बाद जो है इसमें पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद में इसे लगाने के बाद जो है आगे फिर दिखाते हैं। तो यहाँ हीट सिंक
लगा दिए हैं इधर इधर का भी, और आईजीबीटी जो है यहाँ पे लगा देंगे, इसे भी साफ़ कर सकते हैं, जितना ही सफाई रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो ये आईजीबीटी नया वाला इधर लगाने के बाद और क्लैंप लगाने के बाद फिर जो है इधर का हो गया, और ये दूसरे साइड का है। ये इधर का हो गया, इसे क्लैंप लगा देंगे यहाँ पे। सोल्डिंग इधर कर दे रहे हैं, क्लैंप को टाइट कर दिए हैं, और ये दूसरी तरफ जो है यहाँ पे भी इसे भी सोल्डिंग कर देंगे। तो ध्यान से सोल्डिंग करना है कि इसलिए प्रिंट वगैरह ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है, तो प्रिंट को ध्यान से जो है देख कर करना है कि प्रिंट में कहीं कहीं लूज कनेक्शन ना हो। तो इस साइड से भी चेक कर लेंगे, ये यहाँ पे ये निकल आया इधर, ये प्रॉपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर इधर का भी चेक कर लेंगे, इधर ये यहाँ पर भी ठीक। तो ये प्रॉपर सोल्डिंग इधर से भी हो गया है, और इधर से भी ये, और इधर से भी हो गया है, और इधर से भी। यहाँ पे एक प्रिंट इधर से यहाँ पे गया है, ये तो दोनों तरफ हो गया है, बराबर देख के कर दिए हैं इधर। तो अब इसे जो है पावर सप्लाई जो है यहाँ पे एक बार इसे आउटपुट चेक कर लेंगे। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो सीरीज बल्ब के थ्रू चेक करके उसके बाद में इसे सिस्टम में फिट करेंगे। एक बार आउटपुट चेक कर लेंगे इसमें, तो ये सीरीज बल्ब ऑन हुआ, उसके बाद में स्लो हो गया, और यहाँ पे जो है आउटपुट अब आना चाहिए, ये 75 वोल्ट आ रहा है। तो ये 100 वाट का बल्ब भी लगाएंगे यहाँ पे, तो हल्का सा ग्लो होगा ये यहाँ पे, ये इस तरह से, ये इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया, अब इसे जो है निकालने के बाद उसके बाद सिस्टम में लगा के फिर पीसीबी भी यहाँ पे लगा दिए हैं, और इसका जो है पेच वगैरह टाइट कर दिए हैं, जी जेक भी लगा दिए हैं। अब इसे चालू कर दिए हैं, देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह शो कर रहा है, ये फैन ऑन हो गया और माइन का इंडिकेट करने लगा, और यहाँ पे स्पार्क करके भी देख ले रहे हैं, यहाँ पे करके ये कर रहा है। तो फर्स्ट क्लास, अब ये जो है अगर कोई दिक्कत होता तो एक ही दो बार में जो है आईजीबीटी का उड़ जाता स्पार्क करते ही, अगर ड्राइव में प्रॉब्लम होता तो ये फर्स्ट क्लास जो है काम कर रहा है। और यहाँ पे ये 250 का है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 272 दिखा रहा है, यानी इसमें छेड़खानी किया है इस में, तो इसे भी हम सेट कर देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये प्रीसेट से सेट कर दिए हैं इधर, तो ये वॉल्यूम इसका जो है
पोटेंशियल जो है जीरो पे कर दिए हैं, इसमें ये जो लगा हुआ है ये, और ये फुल पे कर रहे हैं, ये अब फुल हो गया ये, तो अब 251 पे जा रहा है, पहले से 272 बता रहा था, तो इससे भी इम्पेयर कम ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये 250 है यहाँ पे, जिस हिसाब से उसी हिसाब से सेट कर दिए हैं, और 272 के आसपास था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी ओके हो गया।